हाँ ठीक है ठीक है, अरे हो जाएगा भाई हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हो, काम फास्ट फास्ट क्यों नहीं करते हो? अरे जल्दी ऑर्डर पहुंचाना है। कर रहे हैं भाई कर रहे हैं। राम राम भाई। राम राम। राम राम भाई। राम राम। हाँ भाई बल्लू। हाँ भाई। कितना काम निपटा? बस भाई थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, बस तैयार है, रेडी है। ठीक है, जल्दी माल तैयार कराओ, आज रात में ये माल हर हाल में निकलना है। ठीक है भाई, आज माल तैयार हो जाएगा। ठीक है। साहब उसने सबको मारा और घर में घुसकर सबको मारा। साहब उसने जीना आराम कर रखा। साहब ये बताओ इस गांव में हम रहे, ये इस गांव को छोड़ के चले आए। मुकदमा चाहते हो? हाँ जी मुकदमा लिखवाना है। ठीक है, पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी, आप जाइए। हाँ ठीक है साहब। ठीक है साहब, गांव में तस्करी की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। सुनने में आया है रात भी करोड़ों का माल बाहर गया है। साहब हमारी नाक के नीचे सब काम हो रहा है और हमें कानो कान भी खबर नहीं है, जबकि हमारी चौकी गांव के बिल्कुल बाहर है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? बस एक सबूत, एक सबूत ही काफी है उन गांव वालों का खेल खत्म करने के लिए। साहब लेकिन कब मिलेगा वो सबूत? एक साल हो गया है, आज तक हम कोई किसी ठोस सबूत तक नहीं पहुंच पाए हैं। पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, बहुत जल्दी एक ठोस सबूत के साथ पहुंचेंगे। नहीं पहुंच पाओगे साहब, कभी नहीं। जूनागढ़ नाम है उस गांव का, रोज अखबार के फ्रंट पेज पे नाम होता है जूनागढ़ का। न जाने कितना आकर चले गए साहब, कोई जूनागढ़ से सबूत तक नहीं लाया। साले सही बोला तूने, मुझसे पहले ना जाने कितने दरोगा आके चले गए, लेकिन मेरा नाम कन्नू प्रताप सिंह है। जब तक एक एक दोषी को जेल के अंदर न डाल दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भाई साहब को पहली बार देख रहा हूँ गुस्से में। चुप साहब। हवलदार इस साले को अंदर डाल दो, चल साले। छोड़ दो साहब, नहीं चल बेटा मजे चखना। नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं। चलो मेरे साथ। हाँ हो जाएगा तेरा काम, कोई बात नहीं, वो सब मैं ही देख रहा हूँ, टेंशन मत ले तू, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ हाँ हो जाएगा। अबे भूरे यार, दो नंबर का काम करते गए यार, थक गए ना। साली शादी हुई ना कोई लड़की सेट हुई। अरे बुढ़ापे में लड़की सेट करोगे तुम? भूरे एक बात याद रखियो, जिंदगी में दो जने बुढ़े नहीं हुए, एक तो घोड़ा और एक आदमी। हाँ देखा भूरे, बल्लू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस साहब, ऐसा ना हो कहीं वो भाग जाए। नहीं नहीं भागेंगे वो। अबे बल्लू तू बोरा हो गया, फिर भी लड़कियों की बातें करता रहता है। अबे जमती नहीं अब तुझ पे ये सब बातें। क्या? अरे अभी तो बताया दो जने बुढ़े नहीं होते, अभी तो मैं जवान हूँ। भाई पुलिस, भाई भाई पुलिस, भाई पुलिस आ गई। बल्लू सिर्फ दो मिनट में सारा माल अंदर हो जाना चाहिए, चलो चलो जल्दी जल्दी।
चल बुरे, चलो भाई जल्दी जल्दी उठा, जल्दी जल्दी चलो चलो चल आ जा, चलो चलो चली। बुरे जल्दी से रख, जल्दी से संभाल के सब रख, संभाल के जल्दी जल्दी दबा यार, पुलिस आती होगी। चल जल्दी निकल छोटू, एक मिनट रुक। चला मेरे साथ। अरे पुलिस कैसा आई है? पता नहीं कैसा आई है, दरोगा साहब कैसा ना हुआ? सरपंच जी, ये सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अरे दरोगा साहब, आप क्यों तशरीफ लिया यहाँ चलकर? हमें बोल दिया होता हम खुद चलकर थाने आ जाते। क्यों भाई, क्यों भाई? हाँ भाई, हाँ भाई। ले जाऊंगा, जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन तेरे पैरों पर नहीं, तुझे घसीट कर रस्सी से बांध कर लेकर जाऊंगा। अरे दरोगा साहब क्या हो गया, सुबह सुबह इतना गर्म क्यों हो रहे हो? भाई शांत रह, पुलिस है। बहुत माइंड चलाता है ना तू, एक दिन ये तेरा माइंड गेम सारा निकाल दूंगा। वो क्या है ना दरोगा साहब, जब ये दिमाग घूमता है ना तो सारे काम खुद ब खुद निमट जाते हैं। और दरोगा साहब जब इस दिमाग की हड्डी है ना तो अच्छो अच्छो की समझ गए, आप समझ गए होंगे। सिर्फ एक सबूत और तेरा खेल खत्म। साहब अंदर तो कुछ नहीं मिला? इस बार तो कुछ नहीं मिला, अगली बार आएंगे और तुझे लेकर जाएंगे। चलो। अरे दरोगा साहब चाय पानी तो पीते चले जाओ। साहब बहुत बोल रहा है, आप कहो तो सब गिरवान पकड़ के अभी घसीट के लाऊं। नहीं, सिर्फ एक सबूत, फिर इसे घसीट कर लेकर जाएंगे। भाई ये दरोगा तो बहुत अड़ियल है, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। इसके जैसे ना जाने कितने दरोगा यहाँ पर आए भूरे, कोई भी आज तक तेरे भाई का बाल भी बाका नहीं कर पाया है। नया नया खून है, चला जाएगा ये भी। बाल बाका देखा है मैं तेरा गिरवान पकड़ते हुए, देखा था उसकी आंखों में कितना खून था। भैया मैं नहीं करने का ये काम, इस धंधे से मैं निकल रहा हूँ भाई। क्या क्या बोला तू, धंधा नहीं करेगा? यानी तुझे अपने भाई पर यकीन नहीं है? साला इतनी मेहनत करता है तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोगों को तब भी यकीन नहीं है। भाई यकीन गया तेले ने, देखा इसकी आंखों में कितना गुस्सा था। तो भाई मैं जा रहा हूँ। हेलो, 5 करोड़ के जाली नोट हरिद्वार जाने करेगा? हाँ हो जाएगा। कब जाना है? कल ही पहुँचाना है। ठीक है हो जाएगा। बल्लू सुन, बल्लू बल्लू 5 करोड़ का ऑफर आया है, हरिद्वार पहुँचाना है कल ही। हरिद्वार? तू पहले गाँव से बाहर निकल के दिखा दे, चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है, बात करता है हरिद्वार जाने की। तो क्या हुआ पुलिस तैनात है? तो पुलिस और हमारा रिश्ता तो सदियों से चलता आ रहा है, पुलिस हमारा आज तक कुछ उखाड़ पाई है क्या? चला मैं बताता हूँ किस तरह से हरिद्वार माल पहुँचाना है। चल यार, अरे यार, चल चल यार, चल देगा देख के माल पहुँचाना हरिद्वार, कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या यार तू इतना डरता क्यों है? अबे यार तू मरवा के छोड़ेगा, एनकाउंटर ही करवा के मानेगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। चल आ जा, और चेकिंग सही चल रही है? हाँ साहब सब सही चल रही है। कोई आया? नहीं साहब कोई नहीं आया। देखो ये आ रहे हैं, इन दोनों को चेक करो। रुको बे, कहाँ जा रहे हो? साहब यहीं तक सामान लेने जा रहे हैं, गांव के बाहर तक। रुक जा एक मिनट, चलो चलो निकलो। हाँ पुलिस, अब यार कैसे निकलूं? साहब भागो भागो भागो।
मादरचोद भागा, लगता कुछ गलत है। तुम दोनों ही रुको, पकड़ के लाते हैं इस वाले को। अरे कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ, चल रहे हैं बस। बस कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बस आने वाला है। ओए रुको 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 जरा रुको। साफ साफ जाने दो, इमरजेंसी है। कौन है ये, क्या इमरजेंसी है? साहब आपको दिख नहीं रहा, मेरी बीवी पेट से है, डिलीवरी करानी है इसकी जल्दी से। अरे रुक, चेक तो करने दे, कौन है? साहब आप ये क्या कर रहे हो? साहब ये कैसा कानून है, किसी की दी बेटे को हाथ लगाना? साहब जल्दी से हट जाओ, मेरी वाइफ को कुछ भी हो सकता है। साहब जाने दो इन्हें, कभी लेने के देने पर जाए पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा साहब। चलो जाओ। पकड़ साले को, भागना भाई साला मादरचोद। खड़ा हो साले मादरचोद। हाँ भाई साले, क्यों भाग रहा था? अरे साहब मैं पुलिस वाले से बहुत डरता हूँ, पुलिस वाले को देख के अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं, मैं तुम्हें देख के भाग रहा था बस। भोसड़ी वाले पुलिस वाले को थकाता है। साहब मार क्यों रहे हो? इसको मारने की क्या बात है? मारने की क्या बात है, अभी पता लग जाएगा। साले खोल इस बैग में क्या है। साहब कपड़े है इसमें, लो खुद ही देख लो, मार रहे। साहब इसमें तो कुछ नहीं है, बिना वजह पुलिस को पागल बना रहा है। मैं तो पहले कह रहा था। अबे तू कहाँ रह गया था? ले पकड़, पुलिस वालों को देखकर भागना मत आज के बाद, निकल। साले ने दिमाग खराब कर दिया। अबे तू इतनी जल्दी थक जाता है? अबे थक जाता है? अगर वो 10 किलोमीटर और भागता ना, तभी तो और पीछे भागता उसके मैं। अरे रामलाल हमको मालूम है तुम कितना तेज दौड़ते हो। अरे साहब वो तो पैर अटक गया था, वरना तो उसके पीछे और भागता। चलो 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 थाने पर चलते हैं, वहाँ पर बहुत चेकिंग भी करनी है। गांव वालों ने सालों ने सर में दर्द करके रखा है। अरे रोको जरा इसे। रुक भाई रुक 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 रुक। क्या कहाँ जा रहा? साहब यहीं जा रहा हूँ गांव से बाहर। गांव से बाहर? अरे ये बहुत साथी रहे, अच्छे से चेकिंग करो इसकी। आजा बेटे नीचे आजा। साहब कुछ नहीं है इसके पास। रुको एक मिनट मैं देखता हूँ। साहब कुछ नहीं है, मुझे गांव के बाहर जाना है, काम है साहब। झूठ बोलता है। साहब कुछ नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहा है? गांव से बाहर जाना है साहब, बस अभी आता हूँ। चल निकल यहाँ से। ठीक साहब शुक्रिया। साहब चश्मा तो दे दो साहब। बनाओ हीरो, चल चल चल, ध्यान रखना इसका आते टाइम भी। खुशखबरी भाई खुशखबरी। अरे वाह मेरे शेरो, ले आए? हाँ भाई ले आए। शाबाश मेरे शेरो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। हाँ भाई। ठीक है मेरे शेरो, मैं 2 दिन में हरिद्वार से काम निपटा कर आता हूँ, तब तक ध्यान रखना। ठीक है भाई, भाई। बल्लू आगे इंतजार कर रहा है। ठीक है ध्यान रखना। अबे यार भाई यार तू कपड़े बदल रहा है? यहाँ पुलिस ने तो पहुँच लिया, बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूँ भाई।
अबे यही तो मेरा प्लान था, बताया था ना तुझे कैसे निकलवाना है, देखा ना। अबे यार कैसे कैसे प्लान बनाओ, अब क्या है आगे का? अब कुछ नहीं, बैठ मेरे साथ, चलते हैं हरिद्वार, पकड़ मार। बाद में चलेंगे, पहले कपड़े बदले, कपड़े गंदे हो गए। कपड़े रास्ते में बदलिए, बैठ फिलहाल तू। हाँ चल ठीक है। बैठिया बैठिया, डर मत, बैठिया आराम से बैठिया, जल्दी निकालो। चलो चलो, मजबूत बैठियो। हाँ मजबूत ही बैठा। अब बेटा देखिए, हरिद्वार की डील कंप्लीट हो जाए फिर अपने पास पैसा ही पैसा होगा। अबे रुक 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 रुक, अबे यार हरिद्वार अभी तो बहुत दूर है यार, मैं तो भूख के मारे दम निकला। अरे तू यार खाली पेट लेके जा रहा, रुक पहले उधर को खड़ी कर इसे। चला जा होटल पे, खिलवाता हूँ तुझे कुछ। चलो चलो बैठना। चलो मैं पैसे जा रहा हूँ, आ जाओ देख का ना। अबे ठूंस लिया हो तो जल्दी से चल। रुक जाया थोड़ा सा और खा लूं यार। अबे काफी टाइम हो गया, जाके होटल भी लेना है, चल। हो गया ना तेरा? ओ, हो गया। अबे माल तो उठा ले। अबे है सॉरी, मरवाएगा क्या? तो कुछ नहीं होगा भाई, चल जल्दी आ जा यार, कल पार्टी से भी मिलना है। चलो भाई चलो चलो। भाई यहाँ तो कल को आना था, तुम एक दिन पहले क्यों आ गए? तुझे पता नहीं बल्लू, यहाँ पर पुलिस का बहुत पहरा रहता है, सारे काम देख कर करने होते हैं, क्या पता कब क्या हो जाए। सही करो भाई, जल्दी चलो कभी कोई आ जाए। चलो माहौल तो सही है। हाँ माहौल तो सही है, बस कल आराम से काम निमट जाए। हाँ भाई तुम चलो चलो। अबे तू इतना डरता क्यों है बल्लू? भाई तुम्हें पता नहीं मुझे पुलिस से कितना डर लगे। मेरे साथ रहकर डरा मत कर, तू हमेशा डरता ही रहता है। मैं बहुत डरू। मौसम अच्छा हो रहा है यार। हाँ मौसम तो अच्छा हो रहा भाई, हरिद्वार में रहने का अलग ही मजा है बल्लू। हाँ भाई मजा है यहाँ, यहाँ पे ना शुद्ध हवा निकलती है एकदम। सही कह रहे हो भाई, तुम बिल्कुल सही। भाई आराम आराम चलाया को मोटरसाइकिल, तेज मत चलाओ। मैं आराम से तो चल लिया यार, डर मत कर। हाँ बस रहने दो, देख आने वाला है, आगे की तरफ लगाते हैं। हाँ बस आगे लगा दो बस भाई, यहीं पे यहीं पे। चल आगे चल। हेलो नीचे की तरफ आ जाओ, वहीं पर मिलते हैं। ठीक है। ठीक है भाई आ गए, ये रहे। आइए आइए, आप ही है ना? हाँ हम ही हैं। ठीक है ठीक है। सर ऐसे कब तक चलता रहेगा? इस गांव से 5 करोड़ का माल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ है। सर ऐसे चलता रहा तो कल सुबह के अखबार में हमारी इस गांव की फोटो होगी और हम सब सस्पेंड होंगे। कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है सर? नया जैन सर। जैन? नेहा सर? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था, अब इस मिशन को यही हैंडल करेगी। सर ये कैसे हैंडल करेगी इस मिशन को, मैं कुछ समझा नहीं सर। नेहा के लिए मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, ये उस गांव में जाएगी और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी और उससे प्यार का नाटक भी करेगी। ठीक है नेहा, तुम जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। चलो काफी रात हो गई है। अरे छोड़ यार, तेरे होते सिवा तो कोई टेंशन नहीं होती तेरे भाई को। हाँ भाई देखो तुम, बस छोड़ दो मेरे ऊपर बस। हाँ भाई वो काम हमें जल्दी जल्दी करना, ठीक है?
तू टेंशन मत ले, सब कुछ आराम से हो जाएगा, फिक्र मत कर। अरे हाँ, वो सब जानकार है मेरे। अच्छा, और मैं तो भूल गया था, वो तुम्हारे सारे जानकार है। अरे अबे भाई क्या हो गया? अबे यार गिर, उठिए, चोट तो नहीं लगी आपको? उठिए आराम से, संभल कर खड़े होइए। अरे भाई कहाँ खो गया? चल काम निपटाना है। अरे वो जा रही है। क्या यार, लड़की के चक्कर पड़ गया। चल 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 आजा। अरे भाई वो कहाँ से आई है? अबे मेरे भाई काम पे जाने ले, क्या लड़की के चक्कर पड़ गया तू? कौन है यार वो? अबे छोड़ यार, तो होगी कुछ। चल अरे भाई कहाँ खो गया बता। बल्लू यार वो लड़की कौन है समझ में नहीं आ रहा, और किसके घर आई हुई है? अबे यार फिर लड़की के चक्कर पड़ गया। अबे क्या तू शादी करेगा से तू? अरे यार शादी नहीं करूंगा, लेकिन पता तो चले कौन है, कहाँ हुई है, शादी का देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तेरे प्यार का भी भूत उतारूंगा मैं ये। प्यार का भूत? भाई यार प्यार नहीं है, लेकिन पता चलना चाहिए कौन है, कहाँ आई हुई है। पता चल जाएगा एक बार तो तसल्ली हो जाएगी दिल को। पता लगाता हूँ। थैंक यू यार, तू तो हमेशा काम आता है मेरे लिए, तू ही तो मेरी जान है। हटा यार, परेशान करते रहता है। नाराज मत हुआ कर यार। और भी बुरे क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। और क्या चल रहा है मेरे भाई? सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ क्या हो रहा है? यार बुरे एक बात पूछी थी तेरे से। हाँ पूछो। यार लड़की कौन है यार वो? कौन लड़की? अरे यार 3-4 दिन पहले तो आई हमारे गांव में। हाँ वो लड़की, वो तो महिपाल के यहाँ आई हुई है। क्या क्या बात कर रहा है? हाँ तुम्हें दिखा के लाऊं उसका घर। चल यार जल्दी चल। आओ चलो। यार कबीर भाई जिद कर रहे हैं यार, कौन लड़की क्या है पता चल जाए कौन है। कोई बात नहीं, भाई का काम कराते हैं। अरे नेहा कुट्टी काट दी। अरे मौसी कर तो रही हूँ पूरे दिन काम काम काम, अभी तो लेने आई हूँ। ये है उसका घर। अच्छा बोरी वो लड़की? हाँ यार। हाँ भाई सही चल रहा है ना सब? हाँ भाई सही चल रहा है। चल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है भाई, कुछ नहीं होगा भाई। खुशखबरी है। अबे क्या खुशखबरी ले आया? उस लड़की का पता चल गया। क्या क्या बात कर रहा है, बताइए कौन है वो? महिपाल का आई हुई कुछ दिनों से। अरे तेरी महिपाल का आई हुई है? अच्छा अब देख बल्लू मैं क्या करता हूँ। चुप चुप चिल्लाना मत। क्यों रोका मुझे, छोड़ मेरा हाथ। सुनो मेरी बात, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आज शाम 12 पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। आना तो था ही, जब तुमने इतने प्यार से बोला था। शुक्र है आ गए। हाँ जी। बड़ी देर लगा दी आने में? बस यार थोड़ा सा काम था घर में, उसमें इतना लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। अच्छा तुमने एक बात नहीं बताई, तुम काम क्या करते हो? मैं? हमारा एक बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ उसमें जुड़ जाओ। कौन सा बिजनेस? जानना चाहती हो ना मेरे बिजनेस के बारे में? कल सुबह सुंदरवन मेरे साथ चलना, पूरी 10 करोड़ की डील है अपनी। देखना मैं तुम्हें एक दिन सोने में तोल दूंगा। अच्छा मैं एक मिनट में आती हूँ। ठीक है। क्या चल रहा है नया? सर कॉल करने से पहले मैसेज कर दिया करो, मैं उसी के पास बैठी थी। ओके अपडेट दो।
और कल सुबह इनकी 10 करोड़ की डील है। और हाँ सर, कल ये डील जंगल में होने वाली है, वृंदावन बाग में। ये कहाँ पर है? मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगी। ओके। ध्यान रखना, खतरा हो सकता है। जी भाई। सुंदरवन पे आ गए हम। हाँ, मैं सुंदरवन पहुंच गया हूँ। ये लो। नेहा ने यही वाली लोकेशन भेजी है, अलर्ट रहना सब। राम राम भाई। राम राम। माल किधर है? माल दो। असली है ना? बिल्कुल असली है, चेक कर लेना। पकड़। रुक जाओ। नेहा, नेहा, ये सब क्या है? तुम तो मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं एक पुलिस वाली हूँ और क्रिमिनल से मैं प्यार नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मेरे प्यार के साथ, ये तुमने सही नहीं किया। पकड़ो उन्हें। मरवा दिया तूने, हैं? मैं कहता था ना ये काम गलत है। कबीर, तूने पुलिस वालों की आंखों में बहुत धूल झोंकी। मैंने तुझसे बोला था ना कि एक दिन तुझे रंगे हाथ पकड़ूंगा। पकड़ा गया ना? वेल डन नेहा, वेल डन। दरोगा साला, जिंदगी में पहली बार प्यार किया था और पहली बार में ही धोखा खा गया, वरना कोई माई का लाल नहीं जो कबीर तक पहुंच सके। देख, मैंने कहा था ना ये काम बुरा है। इस काम में मेहनत से ज्यादा पैसा जरूर है, लेकिन उम्र से पहले मौत है इसमें। बकवास बंद करो, तुम दोनों ने गांव का माहौल खराब कर रखा है। अब चलो, पीसना जेल में चक्की सालों।